हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जूले सबको। तो देख लीजिए, मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। और हम लोग डिनर में आज कुछ खास बना रहे हैं, खास तो नहीं, मोमोज बना रहे हैं। तो चलिए आप लोगों से थोड़ा रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और स्टीमर और वो आटा छान के रखा हुआ, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे और प्याज छील के रखा हुआ है, ये धनिया, हरा धनिया। तो हरा धनिया नहीं होगा तो टेस्टी नहीं बनता है, तो हरा धनिया होना ज़रूरी है। तो अभी हम आटा गूंदेंगे। तो पहले आटा गूंदने से पहले ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, और ये है सूप। तो सूप के बगैर तो मोमो अधूरा रहता है। तो चलिए और आटा गूंदते हैं। आटा वैसे नॉर्मल आटा रहता है, इसमें आपने सुपर फाइन आटा लेना है, मैदे का नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आलू छील भी रहे हैं और मैश भी कर रहे हैं। लाहौल में तो ये बहुत खाते हैं क्योंकि हम लोगों का फेवरेट होता है आलू। तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं आगे। मैं मैश कर रही हूँ आलू मोमो के लिए। आलू मोमो के लिए? यस। अच्छा अच्छा मैश कर दिया। तो आलू तो मैश कर दिया है और मसाले भी हमने रेडी करके रखा हुआ है। अभी हम डालेंगे तेल। तो तेल अपने हिसाब से डालना है और हमने अपने हिसाब से डाला है ब्लैक जीरा, जो लाल लाल में होता है ना। हाँ जी, ये प्योर है, ये एकदम से देखो प्योर जीरा। ये प्याज, ये हमारा मसाला क्या बोलते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे अदरक तो हमने बहुत कम डाला है इसमें, और इसमें डालेंगे लहसुन। इसको थोड़ा हम छांटेंगे, ओके। और ये डाल दिए काला जीरा और थोड़ा जैसा अजवाइन। अब यहाँ डालेंगे प्याज, ऐड करेंगे, ठीक है। इसके लिए प्याज ज़्यादा जरूरत है आलू मोमो के लिए। पीछे फर्स्ट सेकेंड ब्लॉग में भी हमने बनाया था ना मोमो, है ना। हाँ, अभी क्या कर रही है? हाँ, अब ये खा लो मैंगो, और ये मुझे दे दो आलू, छांट ली, ठीक है। अब इसको कट करके ना डालना था ना। चॉपिंग बोर्ड ये देखो खाली हो गया, मिला शेफ हूँ मैं। हाँ शेफ है तू, तो कटोच खानदान की शेफ तू है। ये देखो हमारी शेफ, चाकू सीधा है कि उल्टा है? सीधा है ना शेफ। शेफ का कोई पता नहीं है। तो इसको थोड़ा हम ब्राउन होने देंगे, प्याज को चिली को डाल देंगे ना, हम लोग चटनी बना देंगे, ठीक है। ब्राउन होने देंगे और ये डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अब एक साइड कैमरा पकड़ो, पेस्ट डालो, और ये हमारा सूप। हो, इसमें सूप में क्या क्या डाला पता है? काला चना, घिया और एक और क्या डाला था, चिकन खाते भी ना। फिर एक और सब्जी डाल। अब इस ये पूरा वॉश कर दे, अच्छा जितने भी बर्तन है ना सब वॉश कर देना, ठीक है। और ये ऊपर से धनिया, नमक भी डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डालना आपने, मसाला ज़्यादा उतना नहीं डालना कुछ भी। धनिया भी नहीं डाला, हरा धनिया डाल दिया हमने ना। और इसको हम मिक्स करेंगे, और हल्दी नहीं डालना, हल्दी ऐड नहीं करना, पता है मोमो में क्यों? क्योंकि आपका है नहीं 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 मोमो फटेगा आपका, फटेगा हाँ, फटने लग जाता है ना आटा, इसलिए हल्दी ऐड मत करो। जब भी मोमो डाल बनाओगे आपने हल्दी नहीं डालना है, ओके। अब हमारा ये स्टफिंग तैयार हो गया है, तेल लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा ये मोमो चिपक जाएगा और फटने लगेगा, ठीक है। इसमें हम तेल डालेंगे, मतलब थोड़ा ग्रीस करना है, तेल से लगाना नहीं है, ग्रीस करना है इसको। तो चलिए, शाबाश, घर जाके मम्मी को भी ऐसे ही साथ ही करना। अच्छा हाँ, क्या ऐसे 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 कर रही है? जरूर, वहाँ तो चुपचाप से बैठेगी, खाएगी पिएगी, फिर बेड पे लेटो, काम करो। काम कहाँ, स्वा काम करना,
सौ बार मम्मी को बोलना पड़ता है जाओ वहाँ मुँह आ जाओ खाना खाने, तब जाके जाती होगी नहीं है ना। सही पकड़े आज, देखो सही पकड़े, अब सब लोग देखेंगे वामू आज यहाँ काम कैसे कर रही है, घर जाके भी ऐसे ही काम करेगी। वामू की जय हो, मोमो वामू बना के हम सबको खिलाएंगे। चलो आटा निकालो फ्रिज से, फ्रिज में रखा है मैंने, जो पुराना है उसको रहने दो आटा। आलू वाला तो सबका ही फेवरेट होता है, फेवरेट होता है। मीट वाला बहुत अच्छा नहीं लगता। चिकन का नहीं खाया? हाँ खाया, चिकन का भी अच्छा लगता है। चिकन का अच्छा लगता है ना, तभी इसका शेप बढ़िया आता है। शेप निकालना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, फिर इसको ऊपर से फोल्ड कर देना। अभी मैं आराम से करूँगी क्योंकि मैं जल्दी कर लेती हूँ ना ये, फिर इसको फोल्ड करना अंदर को, फिर इसके साथ चिपकाना, फिर फोल्ड करना, फिर चिपकाना, फिर फोल्ड किया फिर चिपकाओ, फिर फोल्ड किया फिर चिपकाओ, ये फोल्ड किया फिर चिपकाओ, ये फोल्ड किया चिपकाओ, ये देख लीजिए ऐसा बनेगा ठीक है। और कोई शेपिंग नहीं आती है आपको? और भी आती है, और भी दिखाओ। तो एक ऐसा यहाँ से यहाँ से यहाँ से करना, दोनों साइड से करना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना दोनों साइड से, ये ऐसा बोलते हैं चूहा वाला, चूहा वाला, हाँ चूहा वाला मोमो, चूहा वाला मोमो ठीक है। और एक शेप कौन सा बनाते हैं? गोल गोल जैसा वाला, ये उसके लिए फिर आटा आपको चाहिए ना, रोटी बड़े बड़े ठीक है शेप देने के लिए, तो इसका एक शेप बनेगा ठीक है। सारे साइज सेम होंगे, और ये अब लास्ट मोकटो, लास्ट राउंड, लास्ट राउंड ठीक है। ये दोनों को ना लंच ले जाने से कल, अच्छा तो इजी है आलू का मोमो बनाना ठीक है। तो अभी हम मोमोज को सूप के साथ सर्व करेंगे, साथ में सूप हो तो, कई बार होता है कि सूप बाद में देते हैं, नहीं साथ में होना चाहिए सूप और मोमोज दोनों। तो वेज है तो आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।